बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरबिया के वीज़ों के मुतल्लिक मैं पहले भी कुछ वीडियो शेयर कर चुका हूँ। खासकर मैं जब सऊदी अरबिया में था उस टाइम अगर कोई वीज़ा वगैरह मुझे कोई भाई बोलता था कि इतने का वीज़ा है अगर आप लेना चाहते हो तो मैं आप सब वीडियो शेयर कर देता था कि भाई ये फलां वीज़ा फलां महीने वाला है, इतने का मिल रहा है, आप अगर लेना चाहते हैं तो आपकी सलाह है तो आप ले लें, वरना ये इस वीज़े का यानी कि इस ये रेट चल रखा है। अगर आप किसी से भी लेना चाहते हैं तो इस वक्त ये रेट चल रहा है। जैसा कि मैं एक बात वादा करूँ, हाल ही में मैं बनी मालिक में था तो बनी मालिक में एक दोस्त पाकिस्तान से न्यू वीज़ा के तौर पर आया जी, और उसका वीज़ा हमने लिया 5000 रियाल में, सिर्फ 5000 रियाल में। हाँ, साई खास का था ये है जी, साई खास और अमल मंदिर यानी कि छोटा महीने वाले वीज़े आपको पता ही सस्ते हैं और इनके रेट भी सस्ते होते हैं। अगर आप ले लेना, किसी बंदे ने मुसस्सा छोटा सा बनाया हुआ है चार बंदों का, तो चार बंदों का मुसस्सा है, छोटा मुसस्सा है, तो वो वीज़ा उससे ले लें। वो आपको वीज़ा थोड़ा महंगा मिलेगा लेकिन उसमें अमल का महीना होगा आपका, बड़े महीनों में आएगा और आपका इकामा बनेगा सस्ते में, क्योंकि उसके भाई चार बंदे हैं उसके अंडर में, चार बंदों से अगर जायद बंदे होंगे फिर उसका इकामा 10000 यानी कि 9600-10000 में बनेगा। अगर चार बंदे ही रहेंगे तो उसका इकामा भी भाई इतने में ही बनेगा जितना मैं साई खास, अभी मैं वो जो भी होता है ये एग्रीमेंट वगैरह के फील से आपका वो डालकर जो भी सिस्टम होता है वो अभी उसकी डिटेल में क्या जाऊँगा आपका, बहरहाल इकामा सस्ते में बनेगा। अगर किसी आप ऐसे बंदे से वीज़ा ले लेते हैं जिसने चार बंदों का मुसस्सा बनाया हुआ है, यानी कि तीन या दो बंदे उसके पास पहले से, आप उससे एक वीज़ा ले लेते हैं, ये बात कर रहा हूँ मैं, वो बेस्ट रहता है मेरे हिसाब से। बहरहाल साई खास है नामल मंजिली वगैरह ये भी बंदे भाई चल रहे हैं, लगे हुए हैं, बस जो निज़ाम चलता है जी। तो अभी एक मैं जो बताना चाहता हूँ वीज़ों के मतलब की अपडेट है जी, अपडेट ये है कि एक पाकिस्तान में है जी वीज़ा परचेज किया है, मैं आपको सिर्फ ये वीडियो मेरा दिखाने का सिर्फ मकसद ये है जी कि उन भाई साहब की तरफ से ये वीज़ा लिया गया है। और एक चीज़ और ये है कि जी आप अगर ऐसा वीज़ा आपको मिलता है तो आपको क्या लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ये भी क्लियर करूँगा मैं। पहली बात तो ये है जी कि मेरे हिसाब से मुझसे काफ़ी दिन वो कमेंट वगैरह करते रहे भाई, मुझे नंबर दीजिए, मैंने नंबर जब सेंड किया तो उसके बाद दो दिन मुझे कॉल किया, मैं मसरूफ था, एक दिन बैंक में था, एक दिन बाजार में था, तो मैंने फिर तीसरे दिन उनको शाम टाइम खुद ही कॉल कर ली। बात क्या हुई जी, 20 मिनट बात होती रही, वो बोलते हैं जी मेरा एक दोस्त है जी सऊदीया में है जी और मुझे वीज़ा दे रहा है, तो मैं आपसे इन्फॉर्मेशन लेना चाहता था भाई क्या ये वीज़ा लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। मैंने बोला बताइए जी क्या बोलता है, वो बोलता है जी मक्का टावर यानी कि क्लॉक टावर है जी, हरम शरीफ के सामने है जी, तो उसके अंदर होटल है जी, एक उसके अंदर बेशुमार होटल हैं, आपको पता है जी माशाल्लाह सैकड़ों के हिसाब से शॉप्स वगैरह बनी हुई हैं। तो अभी वो बोलता है जी वहाँ होटल में काम करने के लिए उनको ज़रूरत है जी वर्कर की, तो मेरे जानने वाला एक वहीं पर लगा हुआ है और वही मुझे वीज़ा दे रहा है और बोल रहा है जी कि वीज़े के पैसे जो हैं अभी ये कुछ आपको पता ही पर्सनल गुफ्तगू होती हैं, ये मैं शेयर नहीं कर सकता किसी की भी, वीज़े के पैसे हैं जी जो भी जितने का भी उसने बंदे ने था किया है जी, तो ज़्यादा महंगा नहीं है वो, आप उधर आकर सऊदी अरब जैसा कि आपको पहले मैं बता चुका हूँ ना एक वीज़े उतने रेट में बोल रहे हैं, आपने वहां आकर हमको कटवा देने अपनी सैलरी में से 500 या 1000 जितने भी आप बोल दें, तो ये वीज़ा है जी आपने लेना है। तो वो मैंने उसको बोला ठीक हो गया, अभी सैलरी कितनी है महीना, वो बोलता है उसका आमल का महीना है, मैंने बोला ये भी ठीक हो गया, आमल से मुराद यानी कि लेबर आती है ना, तो वो बोलता है, मैंने बोला ये भी ठीक हो गया, आगे बोले वो आगे बोलता है उसकी सैलरी है जी 2800 रियाल, कितनी 2800 रियाल, मैंने जब सुना मैंने बोला माशाल्लाह 2800 रियाल सैलरी तो अच्छी है, तो वो मैंने उसको बोला अभी 2800 रियाल सैलरी है इसमें है क्या, वो बोलता अभी इसमें खाना जो है ना वो तीन टाइम का वो होटल वाले देंगे, मैंने बोला ठीक है जो, और इसके अलावा रहाइश वो होटल वालों की होगी, मैंने बोला ये भी ठीक हो गया, अभी आप बताएं इसके अलावा और कुछ, उसको बोला और कुछ तो नहीं है इसके अलावा, तो मैंने बोला कि भी ऐसा हो नहीं सकता है और कुछ ना हो, आप ड्यूटी कितनी है, वो बोलता 12 घंटे, मैंने कहा रेस्ट कितनी है, रेस्ट बोलता वही खाने के टाइम की रेस्ट है, 12 घंटे ड्यूटी है, खाने के टाइम की रेस्ट है, यानी कि 12 घंटे अलातुल ड्यूटी है, ये अपने जहन में रख लें। खाने के टाइम में आपको 10 मिनट मिल जाएंगे, वो भी आपके चार वर्कर काम कर रहे होंगे, आप दो चार वर्कर खाना खा रहे हैं मुड़के, बाद में आप काम करेंगे वो खाना खा रहे होंगे, यानी कि 12 घंटे मुसलसल ड्यूटी है जी। दूसरी बात सैलरी के मतलब, फिर इकामे के मतलब उसने मुझको बताया जी कि इकामा खुद आपने लगवाना है, मैंने बोला ठीक है, वो बोलता है जी आपका 3 माह आप स्टे वीज़ा होता है, आपको पता है वीज़ा होता है आप 90 दिन का टाइम होता है, उसके बाद आपने खुद से, उसके बाद क्या उससे पहले इकामा लगवाना होता है, तो आपने खुद से अपना इकामा लगवाना, यानी कि आप 6 माह का अपना इकामा लगवाते हैं 5000 रियाल लगेंगे, वही जी 9600 में 10000 में इकामा लगता है अमल का, तो वो बोलता है जी आप 6 माह का अपना इकामा लगाएंगे तो आपके 5000 रियाल लगेंगे और ये आपने खुद से लगवाने हैं,
मैंने बोला ये तो ठीक हो गया, तो फिर आपको यानी कि जो 2800 रियाल सैलरी मिल रही है उसका ऊपर वाला 800 रियाल आपके इकामे का है, अगर ज़र्ब दे तो 1296 बनता है ना, तो आपका ऊपर वाला 800 आपके इकामे का आपको मिल रहा है। आपकी सैलरी है जी 2000, आप 800 को मत गिने, वो तो आपके इकामे के निकल जाएंगे। आपकी सैलरी है 2000 रियाल। अभी 2000 रियाल में से वो बोलता भाई मुझे क्या बचेगा, मैंने उसको बोला सिंपल सी बात है, खाना उनका रहाइश उनकी, आप फिर भी 300-400 रियाल फिर भी 300-500 के राउंड में आदमी खा जाता है यार, मोबाइल खर्च है और कुछ बाहर से कुछ चीज़ ले ली खा ली या कहीं दोस्त वगैरह के साथ कहीं घूमने के चला गया। तो बात ये है जी कि आपको बचेगा मेरे हिसाब से 1500-1600 रियाल, और उसमें से आपने उनको कटवाना है अपना जो आपने वीज़ा लिया हुआ है, 500 रियाल भी अगर आप देंगे तो उनको आपको बचेगा 1000-1200 रियाल, वो उस 1000-1200 रियाल आप घर भेज सकते हैं, यानी कि 50-60 हज़ार रुपये महीने का आप घर भेज देंगे उनको कटवा कर, और जब आपके वो पैसे कट जाएंगे फिर आपके आपके पास 1500-1600 रियाल जो सैलरी है वो आपके पास आपके हाथ में आने लग जाएगी। तो बोलता भी फिर वीज़ा लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, मैंने बोला लेना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि आपने पैसे भी वहाँ पर जाकर देने हैं और ऊपर से आपको सैलरी भी अच्छी मिल रही है, इकामा आपने खुद से लगवाना है, मेन चीज़ है। होता क्या है कंपनीज वगैरह में आदमी चली जाती हैं, इकामे कंपनी से लगाती नहीं है तो फिर बंदों को टेंशन होती है, सैलरी भी वही मिली जा रही है और इकामा बड़ी वो लगाते हैं। इकामा आपके आपके अपने हाथ में होगा, आप इकामा लगाएंगे लीगल तरीके से रहेंगे, कोई किसी किस्म की मुश्किल नहीं होगी, आपकी सैलरी भी अच्छी है, जब पैसे कट जाएंगे फिर आपको माशाल्लाह पैसे बचने। हाँ, टिप वगैरह के मुतल्लिक मैंने बोला इंटरनेशनल उम्रा बहाल हो चुका है, हाजियों को रश लग चुका है, टिप वगैरह वहाँ पर हाजी जाते हैं ज़्यादातर गैर मुल्की, तो वो इतनी ज़्यादा टिप नहीं देते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो चलो मिलेगा तो बेस्ट है, बाकी मेरे हिसाब से तो आपको ले लेना चाहिए। हाँ, आपकी इसके मतलब क्या राय है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर आप सऊदी अरेबिया का वीज़ा लेना चाहते हैं मेरे हिसाब से इस टाइप का वीज़ा अगर आपको मिल जाए तो बेस्ट है। उसकी रीज़न एक ये भी बनती है कि आपने 24 घंटे एसी में रहना है, यानी कि ड्यूटी भी आपकी, आपको पता है मक्का टावर में एसी लगे हुए हैं उसके अंदर है, और बाद में रूम वगैरह में तो एसी लगा होता है, बाहर धूप की जो कंडीशन है गर्मी की कंडीशन है उसके मतलब आप खूब